गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लव्यान गेमर। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक फार्म बनाने वाले हैं हमारे घर के साइड में। तो उसके लिए मैंने बहुत सारा वुड पहले इकट्ठा करके रख लिया, बस हमें थोड़ा सा आयरन चाहिए वाटर बकेट बनाने के लिए, जो कि हमें यही कहीं से मिल जाएगा किसी केव में से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आयरन मिल गया, पर पहले मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन चाहिए। ताकि मैं एक स्टोन की पिकेक्स बना सकूं। अब यहाँ पे मैं इस आयरन को तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वापिस हमारे घर के उधर और इस आयरन को हम स्मेल्टिंग करने के लिए लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट होने लगा दिया है। तब तक यहाँ पे बारिश आ गई तो मैं इसको रात करने के लिए सो रहता हूँ। पता ही नहीं सोने क्यों नहीं दे रहा इस वक्त अभी। तो कोई बात नहीं गाइस, हम हमारा कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं। तो गाइस मैंने सोचा है कि हम उस फार्म को हमारे घर के एकदम एकदम साइड में बनाएंगे अटैच होकर के। तो मैं पहले यहाँ पे इसकी बाउंड्री बना लेता हूँ। हम यहाँ पे इसको 4 ब्लॉक्स की हाइट देंगे। तो गाइस हमारे फार्म के लिए इतना एरिया काफी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको मुड़ा यहाँ से दूसरी वॉल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारी इस फार्म की बाउंड्री तो तैयार हो चुकी है। अब हो सकता है अब हमारे सोने का टाइम हो गया, इसलिए हम सो जाते हैं जा करके। अगर वो सोने का दिखाएगा तो हम सो जाएंगे ताकि अगला दिन हो जाए। लगता है अभी भी सोने का नहीं दिखा रहे। तो हमारा आयरन स्मेल्ट होके तैयार हो चुका है, इसलिए इसकी मैं बकेट बना लेता हूँ एक। हमें सिर्फ एक ही बकेट चाहिए, बाकी का आयरन मैं इसमें वापस रख देता हूँ ताकि ये बाद में काम आ सकेगा।
तो गाइस अभी तो यहाँ पे मैंने, अरे यार कहाँ गिर गया। तो गाइस आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे विलेजर्स और ये एनिमल क्या कर रहे थे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इस बनाने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे मेरे को कई विलेजर्स मिले थे, तो मैंने इनको बोट में बिठा करके यहाँ पे ले आया, ताकि ये, क्योंकि क्या होता है कई बार इन ज़ॉम्बीज हमारे विलेजर्स को मार सकते। जैसे आपने देखा होगा कि बाहर की तरफ को हमको एक भी विलेजर नहीं मिला था क्योंकि ज़ॉम्बीज ने सारे विलेजर मार दिए थे। फिर मैंने इन विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी ले आया हूँ मैं, इनको बाद में अलग अलग करके इनका एक फार्म बनाया गया अच्छे से। तो जब तक पहले मैं इस वॉल को तोड़ लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस फाइनली अब हम सो चुके हैं, अब इस पे सोने का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे नया दिन हो चुका है, और थोड़ी देर में अभी ये बारिश भी रुक जाएगी। तो हम जल्दी से हमारा काम खत्म कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा काम बस लगभग खत्म ही होने वाला है। और यहाँ पे हमारा वॉल तोड़ने का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ पहले तो। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो इतना सारा पानी, यहाँ पे ये जो जगह, यहाँ पे मैं इसको अभी बंद कर दूंगा, इसलिए मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास कई डर्ट रखी थी, तो उससे हम इस जगह को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी डर्ट ले ली, जिससे हम इस जगह को, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे लगता है इतनी डर्ट काम नहीं कम रहेगी, हमें और डर्ट बाद में लानी पड़ेगी। और यहाँ पे मेरे बबल्स खत्म हो रहे हैं। तो गाइस हम एक काम कर सकते हैं, हम इसी जगह को थोड़ा सा ही बंद करते हैं, इतना इतना बंद करेंगे इतना हमारे काम आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना, इससे हमारी डर्ट भी कम काम आएगी और एक काम भी जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हैं विलेजर ने भी मेरे बात में भी हाँ करा है, उसको भी मेरा आइडिया अच्छा लगा है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक होप बना लेता हूँ। तुम्हारे जो फार्म का जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट होएगा,
और यहाँ तक जाएगा, बाकी उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन वाटर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे लगता है ये ब्लॉक जल्दी से वापस ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक जल्दी से एक वाटर डाल देता हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। जैसे आप देखते हो मैंने इसको हो से मारा था, फिर भी ये वापस नॉर्मल ब्लॉक जैसा हो गया क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है इसलिए। तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से वाटर लेके इस जगह पे यहाँ पे वाटर भरना शुरू कर देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वाटर स्टिल हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो पानी है अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है। सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। और यहाँ पे जो गड्ढा था वो सामने आ रहा है, इसको यहाँ पे मैं ढक देता हूँ वापिस। तो गाइस मैंने सोचा यहाँ पे हम हर एक ब्लॉक के बाद पानी डालने के बजाय दो दो ब्लॉक के बाद पानी डालते हैं, क्योंकि ये जो गड्ढा है तो बहुत बड़ा है नीचे जो पानी का, तो हमें बार बार परेशान कर सकता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी से यहाँ से पानी लेके इस बाली में भी पानी भर देता हूँ, डाल देता हूँ। लगता है अभी भी वाटर अनलिमिटेड वाटर सोर्स नहीं बना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं गलती से दही पानी डाल दिया। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये वाले में भी जगह में पानी भर दिया है। अब मैं जल्दी से काम कर देता हूँ क्योंकि मेरी और बस टूटने वाली है, और यहाँ पे मेरी और टूट चुकी है और इस जगह को मैं खाली छोड़ दूंगा मैं, या फिर चलो हम अभी हो बना के काम पूरा ही कर लेते हैं हमारा। अभी मैं टेम्प्ररी हो बना रहा हूँ इसलिए मैं अभी सिर्फ वुड की हो बना रहा हूँ।
तो गाइस यहाँ पे हमारा हो का काम तो पूरा हो गया। अब हमें बहुत सारी सीड चाहिए हो गए, अलग अलग चीज हो गए। जैसे यहाँ पे मैं पहले कैरेट ले लेता हूँ। मैं इनको जल्दी से लगा देता हूँ ग्रो होने के लिए। और मैं भी यहाँ पे बाहर जाके यहाँ पे जो विलेजर्स के लगाए हुए पहले के जो सीड थे इनको उखाड़ ले हटा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पोटैटो के जो सीड हो गए, अब मैं यहाँ पे बीट रूट के सीड भी ले लेता हूँ ताकि मैं इनको जल्दी से जा करके लगा देता हूँ और जल्दी से ताकि ग्रो हो जाएंगे। तो गाइस अभी रात होने वाली है इसलिए जल्दी से डे करने के लिए मैं जल्दी से जाके सो जाता हूँ ताकि जल्दी से डे हो जाएगा। यहाँ पे विलेजर ने भी मेरी बात में आकर है पर पता नहीं अभी तक ये सोने का दिखा क्यों नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम सीड लगाने का काम कर लेते हैं हमारा। यहाँ पे मेरे पोटैटो की सीड भी खत्म हो गए, मैं बीटरूट लगा देता हूँ। और यहाँ पे हम एक और डे सरवाइव कर चुके हैं माइनक्राफ्ट में। आप मैं वापस जल्दी से बाहर जाता हूँ ताकि मैं बाहर जा करके इनको सीड्स ले सकूंगा। और इन्हीं सीड को मैं वापस लगा दूंगा ताकि जल्दी से ग्रो हो जाएगी, मेरे को और सीड मिलते जाएंगे और हमारे पास भी बाद में फूड की कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास और भी सीड्स हो चुके हैं। मैं यहाँ पे जा करके पोटैटो के सीड्स हो चुके हैं, मैं यहाँ पे जा करके वापस से यहाँ से कैरेट को भी हटा लेता हूँ ताकि मेरे पास कैरेट्स और हो जाएगी और इसी को मैं वापस लगा के ग्रो होने के लिए रहने दूंगा, छोड़ दूंगा ताकि और बड़ी होती जाएगी। यहाँ पे गाइस यहाँ पे विलेजर्स का यहाँ पे वीट फार्म भी था जहाँ से मैं वीट भी ले लेता हूँ बहुत सारा। वो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक क्रीपर आके फटा था और यहाँ पे पेड़ होने को जैसे मेरे को कोई डैमेज नहीं हुआ, इसलिए गाइस हमें शायद जगह पेड़ लगाने चाहिए, ग्रो मोर ट्रीज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा होल हो चुका है और यहाँ पे केव भी जा रही थी जिसको हम बाद में फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं जल्दी से जाके अपने घर पे जा करके इनको ग्रो होने के लिए लगा देता हूँ और फिर उसके बाद हम हमारे फार्म का फार्म का टेरेस बनाएंगे इसकी छत।
यहाँ पे मैंने इन जुम्मे पर इतनी शीट्स मैंने सबको लगा दिया है। और अब हम अपन अब मैं हमारी फार्म की टॉप को बनाने का काम करता हूँ, तो इसको हम स्लैब्स बनाएंगे ताकि हमारा वुड कम काम आए, जिससे हमारा वुड बच जाएगा बहुत सारा। जैसा कि आप देख रहे हैं विलेजर भी मेरे हाथ में मेरी बात में हमें आ कर रहा है। यहाँ पे मैं जल्दी से ऊपर बिल्डअप करके चल जाता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ इस वक्त। तो जैसी हमने डिजाइन पिछली बार रखी थी, हम इस बार भी वैसी रखने वाले हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी करने में हमने यहाँ पे दो लगा दिए एक बजाय, तो बात मैं इसको बाद में हटा दूंगा। और यहाँ पे मैं ऊपर से गिर चुका हूँ अभी नीचे। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम इसे नीचे रहकर ही करेंगे, क्योंकि ऊपर रहकर करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और बहुत धीरे धीरे काम होएगा। यहाँ पे मेरे से गड़बड़ी में एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, मैं इनको वापस जल्दी से हटा लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि इतने सारे वुडन स्लैब भी कम रह जाएंगे, अगर ये कम हो गए तो हम और बना लेंगे। और यहाँ पे इस वक्त मेरे सारे स्लैब खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं और स्लैब बनाने जा रहा हूँ। गाइस हमें हमारे इतने से वुड में काम नहीं हो चलेगा, इसलिए अगर कम पड़े तो मैं दूसरे दूसरे तरीके के स्लैब लगा लूंगा। पर आज हम हमारा पूरा काम करके जाएंगे।
लगता है हमें दूसरे तरीके के वुड की स्लैब बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैं बर्च के ट्री का इस्तेमाल करता हूँ, और इसकी सबसे पहले तो हम बहुत सारी प्लैक्स बना लेंगे, और इसको इक्वली डिवाइड करके हम यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास बहुत सारी स्लैब आ चुकी है, जिससे हम हमारे फार्म का टॉप बना सकते हैं। या फिर इस काम को करने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है। यहाँ पे अंधेरा भी हो गया है, यहाँ पे मॉब्स का स्पॉन होने का भी खतरा है, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जाके टॉर्च बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन ना हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ी टॉर्च लगा दी है ताकि मॉब स्पॉन ना होए, वरना अगर वो स्पॉन हो गए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ये किसकी आवाज थी? लगता है वॉन्डरिंग ट्रेडर की आवाज होगी, क्योंकि ये आवाज थोड़ी अलग सी पिलेजर की आवाज जैसी लगी मेरे को। तो वही यहाँ पे मैंने सोचा है कि ये जो मैंने जो एक्स्ट्रा जो प्लैंक लगाया है, हम इनकी एक इस इनको ऐसी रहने देंगे जो एकदम डिजाइन की तरह लगेंगे। तो हमने यहाँ पे एक और नाइट सरवाइव कर ली है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो फार्म है वो तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा व्यू देता हूँ इसका। वही यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा फार्म ऊपर से हमारा घर और फार्म कितना अच्छा लग रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।